बेहतर सर तो किसान में सम्मान करते हुए आंदोलन में तो किसान में जो मन में हरास है वो तो निकाल दिए, लेकिन किसान मेला में तो हम लोग तो यही उम्मीद लगा कर रखे हैं कि नया से नया टेक्नोलॉजी जो है एग्रीकल्चर क्षेत्र में सरकार लाने के लिए कोई ना कोई बृहद पैमाने पर जो है एक प्रोग्राम बनाएगी और किसानों को आर्थिक सहायता उसमें देगी। किसानों के हित में कोई भी योजना बने जो कि किसानों के हित में होना चाहिए, किसानों के लिए जो होनी चाहिए वो उसका प्रयास किया जा रहा है। उसका संकल्प है कि आय को दुगुना किया जाए, एकदम नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। 1 फरवरी यानी कि कल देश का आम बजट पेश होने जा रहा है। जाहिर है लोगों की उम्मीदें बढ़ी हैं, लोग काफ़ी उम्मीद में हैं कि इस बार सरकार उनके लिए कुछ खास पेश करने वाली है। बिहार के लोगों को भी इस आम बजट से काफ़ी उम्मीदें हैं। लाइव सिटीज़ की भागलपुर संवाददाता कुणाल शेखर ने इसी कड़ी में किसानों से बातचीत की और किसानों को भी इस आम बजट से और देश के प्रधानमंत्री के साथ साथ इस पूरे सरकार से काफ़ी उम्मीदें बंधी हैं। क्या कुछ कह रहे हैं ज़रा सुन लीजिए। और देखें कृषि मेला में क्या क्या चीज़ पर किसान हमारे जो भागलपुर जिला के प्रखंड से सब लोग यहाँ आते हैं और अपना अपना बेस्ट प्रदर्शन जो है और वो बेस्ट प्रदर्शन जो है बाकी जो किसान उसको देख करके उसके यहाँ सीखने का भी आयोजन लगाया हुआ है। प्रशिक्षण शिविर भी है, प्रशिक्षित भी किया जा रहा है कि वो कितना बढ़िया जो प्रोडक्ट को बनाया जा रहा है। हमारा जो भी चीज़ है जैसे कि हमारा बेल है या हमारा पपीता है या हमारा कद्दू है उसको कितना बड़ा और कितना बढ़िया ढंग से प्रदर्शन किया जाता है, ये चीज़ सिखाया भी जाता है। इसका एक प्रदर्शनी भी है, सबसे बढ़िया उसका सब प्राइज कम से कम 250-300 व्यक्ति को प्राइज मिलेगा, तृतीय पुरस्कार और चौथा पुरस्कार और विशेष पुरस्कार भी है। उम्मीद है कि शिकायत को दूर किया जाएगा, हर संभव प्रयास है उनको दूर किया जाएगा। बजट होना चाहिए, उसमें ऐसे कि बजट होगा तो हम किसानों को उसमें अच्छे से काम करेंगे और उसमें बजट होने के बाद आयात निर्यात करने में क्या लग रहा है केंद्र सरकार से क्या चाहिए आपको अलग से किसानों के लिए बजट में क्या कुछ खास रहे, समस्याएं क्या है आपकी? व्यवसाय हम लोग का सब्जी है सर, सब्जी उत्पादन, उसमें क्या परेशानी हो रही है? हम लोग को निर्यात करने में परेशानी, क्या उम्मीद है इस बार अपना सरकार सुनेगी क्या? इसमें सरकार निर्णय ले रही है कि नहीं निर्यात में आने का बढ़ावा मिल सके, जो हम लोग ग्रुप जो चला रहे हैं किसान इस समूह चला रहे हैं उसमें हम लोग को बढ़ावा मिल रहा है तरफ से सरकार की तरफ से, और हम लोग यही चाह रहे हैं कि ना और बढ़ावा दिया जाए और महिला लोग जागरूक हो उसमें और उसमें काम अच्छी तरह से करें। अभी आप क्या चीज़ का उत्पादन कर रहे हैं? अभी हम लोग समेकित सब्जी का कर रहे हैं, उसमें जैसे क्या क्या है? टमाटर हुआ, मूली हुआ, गाजर हुआ, मकई हुआ, फिर खाद्यान्न के लिए मकई हुआ, गेहूँ हुआ, फिर सब्जी हुआ, टमाटर, कद्दू, भिंडी। कितना एकड़ में अभी आप खेती कर रहे हैं? हम लोग अभी 12 एकड़ में समेकित खेती कर रहे हैं। मुनाफा कितना आ रहा है किस हिसाब से? 2 साल से हम लोग किया तो उसमें पहले जितना था, पहले मान के चलिए 1 एकड़ में हम लोग को 20-25 बोरी होता था, अभी 44 बोरी हो रहा है 1 एकड़ में, तो उसके हिसाब से 12 एकड़ जो हम लोग का समेकित खेती है उससे दोगुना हम लोग का मिल रहा है। जैसे कि वर्मी कंपोस्ट हुआ, गोबर खाद हुआ, फिर जैविक खाद, रासायनिक खाद बहुत कम डालते हैं खेतों में। किसान आंदोलन पर है और यहाँ पर किसान मेला हो रहा है, किसान आंदोलन पर है यहाँ पर किसान मेला हो रहा है, क्या लग रहा है बेहतर कौन है? बेहतर सर तो किसान मेला, आंदोलन में तो किसान में जो मन में हरास है वो तो निकाल दिए, लेकिन किसान मेला में एक महिला किसान होने के नाते मोदी सरकार से क्या मांगेंगे आप? हम लोग उसमें तो बढ़ावा मांगेंगे किसान कृषि में, और क्या सुविधाएं होनी चाहिए, और क्या सुविधा होनी चाहिए? सुविधा में सर हम लोग का जो रासायनिक जो है, रासायनिक हम लोग को नहीं, जैविक खाद हम लोग का ज्यादा होना चाहिए, जैविक खाद, वर्मी कंपोस्ट, गोबर खाद, केचुआ खाद, ये सब में हम लोग को बढ़ावा मिलेगा, सब हम लोग की खेती में सुरक्षित खाद्यान्न होगा, जिससे कि आगे चल के आगे का जो जनरेशन होगा उसमें कुपोषण की संख्या घटेगा उसमें। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम वंदना कुमारी, नारायणपुर प्रखंड सजातपुर पंचायत में बिसरपुर ग्राम वास। हम लोगों ने तो सरकार से बहुत सारी उम्मीदें लगा रखी है, सरकार चूँकि ये सरकार जो है उसका थिंकिंग कुछ अलग सोचने का है और आगे की सोचने का है, तो हम लोग तो यही उम्मीद लगा कर रखे हैं कि नया से नया टेक्नोलॉजी जो है एग्रीकल्चर क्षेत्र में सरकार लाने के लिए कोई ना कोई बृहद पैमाने पर जो है एक प्रोग्राम बनाएगी और किसानों को आर्थिक सहायता उसमें देगी। हम लोगों ने यही सोच के रखा है
और हम लोग ये चाह रहे हैं कि सरकार जो है ना हर किसानों के लिए मतलब स्टोरेज और मार्केटिंग ये दोनों पर कुछ अलग करे। जैसे किसानों के साथ दिक्कत क्या है कि वो लोग प्रताड़ित होते हैं एक तरह से व्यापारियों के द्वारा, ब्लैकमेल एक तरह से किया जा रहा है उन लोगों को, क्योंकि उन लोगों के पास स्टोरेज की कैपेसिटी नहीं है। तो हम लोग चाहते हैं कि सरकार ज़्यादा से ज़्यादा हर पंचायत लेवल पर, गांव लेवल पर स्टोरेज की कैपेसिटी भी डेवलप करे। मेरा नाम राजीव लोचन, कहाँ कहाँ है, हम तो सुल्तानगंज से आए हैं। देखिए सरकार करेगा जो करेगी वो किसानों के हित में करेगी, ये मेरा मानना है, ऐसा उम्मीद कर रहे हैं हम। क्या क्या उम्मीदें हैं किसानों के लिए, क्या होनी चाहिए, क्या नहीं है, समस्याएं क्या है? किसानों के लिए जो मूलभूत समस्याएं हैं उनका निदान होना चाहिए। किसानों के हित में कोई भी योजना बने जो कि किसानों के हित में होना चाहिए। क्या लग रहा है, आपकी उम्मीदें पूरा होगी क्या इस बार? जी होना चाहिए। किसान आंदोलन पर है, यहाँ किसान मेला हो रहा है? नहीं, किसान आंदोलन वो अपने जगह पर है, यहाँ किसान मेला हो रहा है वो अपने जगह पर है। पूरा उम्मीद है इस बार मोदी सरकार आपके लिए कुछ बेहतर लेकर आ रही है, कुछ करने जा रही है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजेश कुमार राय, ग्राम पोस्ट मरवा, थाना वीरपुर, जिला भागलपुर। क्या चीज का खेती आप लाए प्रदर्शनी में? जी मेरा सब्जी केले का खेती है, जो कि हम अभी कुछ थोड़े एरिया में कर रहे हैं। कितना एकड़ में आप कर रहे हैं अभी? जी अभी तो 5 कट्ठा अभी लगा है। ठीक है, क्या मुनाफा क्या आ रहा है? इससे अच्छा मुनाफा है, ये मिनिमम 20 रुपये दर्जन में बिकता है। क्या कहना चाहेंगे और किसानों को? और हम किसानों को कह रहे हैं कि अपने खेती के साथ सिर्फ मक्के और गेहूं की खेती करने से उनकी आर्थिक स्थिति नहीं सुधर सकती, क्योंकि वो मक्का और गेहूं एक मैंने आधा आधा 6-6 महीने में होता है, 2 ही फसल हुआ, लेकिन अगर वो बर्बाद हो जाए, अगर दूसरा नहीं रहेगा तो उसकी आर्थिक स्थिति और बिगड़ जाएगी। कृषि मंत्री आपके बीच आए, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, इस तरह से आएंगे तो किसानों का हौसला और बढ़ेगा, वो आगे बढ़ चढ़ कर भी काम करेंगे। वो अपने धरातल पर इम्प्लीमेंट सबसे अनुरोध करता हूँ, स्वागत और अभिनंदन, वो पहुँचते पहुँचते समय निकल जाए, और खेती ऐसा चीज है जिसमें कि समय बहुत बड़ा फैक्टर रखता है। तो क्या लग रहा है इस बार के बजट में किसानों के लिए कुछ खास रहने वाला है? अब किसान इतना हंगामा कर रहा है, हो सकता है कि उनको कुछ अलग से कुछ मिल सके, आप हंगामे की सिक्योरिटी मिल सके। आप हंगामा की बात कर रहे हैं, उधर आंदोलन हो रहा है, इधर मेला हो रहा है, बेहतर कौन है? देखिए जो हंगामा कर रहा है तो बुद्ध की धरती है, तरह से उसको सही नहीं बना, विक्रमशिला जैसे महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय ज्ञान की धरती है, ज्ञान भी धर्म की धरती है, इस धरती पर हम लोग माननीय का स्वागत। किसानों के लिए जो होनी चाहिए वो उस पर प्रयास किया जा रहा है, जैसे आपका कोल्ड स्टोरेज है, गोदाम है, ये सब किसान ले लेके, और हम लोग अब मत्स्य पालन, बकरी पालन में भी आगे बढ़ रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? दिलीप कुमार ठाकुर। कहाँ है, कहाँ से आए हैं? दीपक थाना वीरपुर। कौन सा पुरस्कार मिला, किस क्षेत्र में मिला आपको? हमको कद्दू उत्पादन, गोल कद्दू उत्पादन में और द्वितीय पुरस्कार। बताइए पहले कहाँ से आए हैं? सिर्फ 85। 1 फरवरी को आम बजट आ रहा है, क्या लग रहा है मोदी सरकार किसानों को क्या तोहफा देने वाली है? किसानों के लिए बजट, किसान के लिए क्योंकि मोदी सरकार भी हम लोगों को दे रहा है किसान सम्मान निधि के अनुसार एकदम। अच्छा, किसान सम्मान निधि पैसा मिल रहा है आपको? पैसा मिल रहा है। आज कृषि मंत्री आए हैं आपके बीच में, कैसा लगा? बढ़िया लगा, सब और क्या मांगना चाहेंगे मोदी सरकार से, किसानों की समस्याएं क्या है? मांगना तो अब जैसी हम लोगों के लिए है कि उसके अनुसार कार्य हो जाए, करवावे, ध्यान दे, वही हम लोगों को आशा है, जैसा कहा वैसा करवावे। उमा सिंह है, कौन सा है? नवछिया से आया है, नवछिया प्रखंड से। 1 फरवरी को आम बजट पास होने वाला है, क्या लग रहा है किसानों को मोदी सरकार क्या तोहफा देने वाली है? बहुत अच्छी तोहफा देने वाला है। अच्छा, समस्या क्या है किसानों की, समस्या क्या है वो बताइए। किसान का समस्या तो जो जो समस्या है उसका समाधान कर रहा है, समाधान हो रहा है, एकदम समाधान हो रहा है। इस बार बजट में क्या मांगे मोदी सरकार से? किसान की तरफ पूरे ध्यान है सरकार का, जो उसका संकल्प है कि आय को दुगुना किया जाए, एकदम उससे इसी संकल्प के।
तो सुना आपने, बिहार के ये किसान सरकार से उम्मीद लगाए बैठे हैं। भागलपुर में जब संवाददाता ने बातचीत करनी शुरू की तो किसी ने कुछ कहा तो किसी ने कुछ। किसी किसान को उम्मीद है तो कोई किसान ये कह रहा है कि आखिर हर बार किसान प्रताड़ित होते हैं, सरकार को इस बार कुछ अलग लेकर आना चाहिए इस आम बजट में। अब देखने वाली बात ये होती है कि जब आम बजट पेश होता है देश का, तो इसमें बिहार के और बिहार के किसानों के लिए क्या कुछ खास होता है। आप बने रहें लाइव सिटीज के साथ, तमाम खबरें आपको देंगे, लेकिन उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, इसके अलावा ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।